वार्ड नंबर 4 में एमआईएम के ख्वाहिशमंद उम्मीदवार मोहम्मद वसीम की गुलपोशी की गई। सीनियर सहाफी और समाजी कारकुन मोहम्मद वसीम एमआईएम से टिकट के ख्वाहिशमंद उम्मीदवार हैं। इन्होंने वार्ड नंबर 4 से एमआईएम से अपनी उम्मीदवारी की दरख्वास्त दी है। पार्टी कारकुनों की जानिब से मोहम्मद वसीम की गुलपोशी की गई। इस मौके पर एमआईएम शहर सेक्रेटरी असलम खान भी मौजूद थे। मोहम्मद वसीम ने वार्ड नंबर 4 के मसाइल का जिक्र किया और कहा कि कांग्रेस ने इस इलाके की तरक्की के नाम पर बजट हासिल किया लेकिन सिर्फ कागजों पर ही काम अंजाम दिया, जबकि इलाका आज भी पसमानदगी का शिकार है। इन्होंने कहा कि इस वार्ड से मुंतखब हुई कारपोरेटर मेयर बन जाने के बावजूद वार्ड की हालत नहीं बदल सकी, जिसकी वजह से इस वार्ड में कांग्रेस के नुमाइंदों से आवाम नाराज हैं। ऐसे में इन्होंने कहा कि दलित मुस्लिम इत्तेहाद की वजह से एमआईएम इस वार्ड में अपनी ताकत दिखाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह 4 नंबर वार्ड से एमआईएम मजलिस से मैं खड़ा हूं। मोहम्मद वसीमुद्दीन दलित भाई मुसलमान भाई साथ है मेरे और मोइन भाई भी साथ है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मैं 4 नंबर से 4 का 4 पैनल लाऊंगा और ताजनगर शोभा नगर इंदिरा नगर ये सब मेरे भाई मेरे साथ है इंशाल्लाह। आज ये हमारे 4 नंबर वार्ड से लोगों ने मेरा इसलिए सत्कार किया कि 4 नंबर से वसीम भाई तुम खड़ो, दलित भाई मुसलमान भाई साथ है, बाबा साहब साथ है। इंशाल्लाह आने वाले में दलित भाई और मुसलमान का ही महानगर पालिका में झंडा रहेगा। आने वाले दिनों में मैं चुनके आने के बाद जिस तरीके से खिदमत मैं करता हूँ वैसे आज भी मैं ऐसे ही करूँगा।